दर्शकों ब्रेक बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स एंड वाले सैक्शन विच आपां गलबात करन जा रहे हां, जिसके बिहाफ ते आपां कल वी गल कीती सी कि भारत दे प्रधानमंत्री मोदी तीन यूरोपियन जिहड़े मुल्क ने जर्मन, डेनमार्क अते फ्रांस दे दौरे ते हन। सो फ्रांस पहुंचण तो ठीक पहला फ्रांस की एक प्रमुख कंपनी जिसने भारत नाल मिलके पनडुब्बियां बनाउण दा जिहड़ा 43,000 करोड़ रुपए का सौदा किया होया सी, कंपनी ने इस अर्श विच शमूलियत करन तों ना कर दित्ती है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हां और नाल ही गुरबाणी विचारां दी सांझ वी तुहानूं पाई जाएगी। सो असीं चाहवांगे कि तुसीं इसे तरह जुड़े रहना, देखण सुन लैण लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो मोदी तीन रोज़ा यूरोपियन तीन मुल्कां दे दौरे दे उत्ते निकलिया, तीन मुल्कां दे दौरे ते सब तो पहला वो जर्मनी गया और असी जिक्र किया सी कि जिथे जर्मन ने खुल के रूस नूं एग्रेसर किया हो यूक्रेन दे मुद्दे ते, मोदी उत्थे भी खलो के इस किस्म दी गल कर रहे जी इस जंग च कोई भी जेतू नहीं होएगा। सो वो अपने हॉलो वर्ड्स नाल जस्टिफाई कर रहा, पर बॉडी लैंग्वेज दस रही है कि जर्मन मोदी बारे की सोचते हैं। दूसरा उसकी जिहड़ी विजिट का मुल्क है डेनमार्क, अज उसकी डेनमार्क विजिट नूं लै के खबरां ने और पीएम मोदी इन डेनमार्क, डैनिश प्रीमियर स्पैशल जेस्चर टू लीडर्स डिस्कस रीजनल ग्लोबल इशूज। हुण डेनमार्क तो दुध जां घिओ तां लैणा नहीं है, उन्होंने डेयरी है और बाकी तो फॉर्मल है। हुण जिहड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिट उसकी जर्मन तो बाद, जर्मन दे नाल तो यह हुण अपने आप नूं यूरोपियन यूनियन सामने सच्चाई हो रहा फ्रांस। हुण फ्रांस दे नाल जिहड़ी है वो मोदी का रिश्ता एक करप्ट रिश्ता भी है। असी जे राफेल जहाज़ों के हवाले नाल देखिए वक्री गल है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने उस दे उत्ते सील कर दिता, उन्होंने कह के जी नहीं नहीं यह कोई कंस्पीरेसी नहीं हुई। पर किवें उस डील नूं मोदी ने 1-to-1 फ्रेंच प्रेजिडेंट नाल गल करके अपने चहितियां नूं 60,000 करोड़, जिहदे चों 30,000 करोड़ जिहड़ा है वह अडानी जां जो भी अंबानी अडानी इको जे ही नां ने उन्हां नूं दवाया। सो यह जाहिर है कि भी खुल के ये छोटे मोटे कमीशन नहीं है, तो इन्हां दा भी खाना है तो फिर मोटा खाओ। सो उहदे थले वो फसे हुए सी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिते उन्हां दे जज बैठे ने उन्हां नूं राहत दित्ती और उन्होंने कहा जी नहीं नहीं कुछ नहीं होया, लेकिन किसी स्टेज पर आके ये हकीकत भी बाहर आएगी। हुण 4 मई नूं यानी कि कल जिहड़ी मीटिंग है इस दी होणी है फ्रांस दे प्रेजिडेंट मैक्रो और मोदी दी। उस तो ठीक पहला जिहड़ी खबर अज प्रोमिनेंटली इंटरनेशनल मीडिया च आई और इस तो यह लगता है कि भी कोई ना कोई इस नाल रिलेटेड ही जिहड़ा है करप्ट प्रैक्टिस इनवॉल्व होएगी। और ये मेन खबर है कि मोदी दे फ्रांस पहुँचने तो पहला ही डिफेंस कंपनी ने एक वड्डा फैसला लिया और ये जिहड़ी इंडियन एक्सप्रैस ने भी इस खबर नूं प्रोमिनेंटली छापिया। और ये फ्रेंच डिफेंस नेवी ग्रुप उन्होंने कहा कि वो P-75 इंडिया प्रोजेक्ट दे विच शामिल नहीं हो सकते। ये जिहड़ा प्रोजेक्ट सी जिहदे उत्ते 2005 दे विच दस्तखत किए गए सी, ये इन्हां ने जिहड़ियां ने 6 पनडुब्बियां DCNS दे थले सी कि 4-6 इन्हां ने पनडुब्बियां तैयार करनियां सी। पनडुब्बियां ने सब मैरीन जिन्हों असी कहने और ये जिहड़ा 43,000 करोड़ का जिहड़ी है ये प्रोजेक्ट सी जिहदे थले 5 होर इंटरनेशनल ग्रुप भी इहदे शामिल ने। पर इस ग्रुप ने जिहड़ा ये कहा भी असी क्योंकि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जिहड़ा RFP है उहदियां शर्तां असी पूरियां नहीं करदे, इसलिए असी इस प्रोजेक्ट चों बाहर आ रहे हैं। ये सब तो वड्डी सांझी जिहड़ी है इन्हां दी मॉडल सी सांझदारी दा कि इन्हां ने सबमरीन्स इंडिया दे विच बनाउणियां सी। और ये दूसरी वड्डी उन्हां दी जिहड़ी है क्लास सी स्कॉर्पियन क्लास और 6 कलवरी क्लास जिहड़ियां ने वो सबमरीन्स नूं बनाया जाणा सी। और ये मीडिया रिपोर्ट ही ये है कि भी ये जिहड़े उन्हां दे मैनेजिंग डायरैक्टर ने मिस्टर लॉरेंट वीडो, उन्होंने कहा कि RFP दे थले असी जिहड़ा है इस दे कामल नहीं है और असी हुण क्योंकि फ्रांस इस किस्म की टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता। और इस नूं इन्हां ने मीडिया ने इंटरनेशनली बड़ी सीरीयसली लिया कि 4 मई नूं मोदी ते मैक्रो दा मुलाकात होनी सी और इस तो ठीक एक दिन पहला जिहड़ा है उन्हां दा इस इन्नी वड्डी कंपनी दा इन्ने वड्डे प्रोजेक्ट चों विदड्रॉ कर जाना है। ये चंगा साइन नहीं है क्योंकि ये पहली इंटरनेशनल कंपनी है जिन्हें
इंटरनेशनली ऐलान किया है कि भी असी इस प्रोजेक्ट चो हट रहे हैं, और उन्होंने कहा नाल ही जड़ियाँ इहदे नाल रूस और स्पेन दियाँ भी कुछ जड़ियाँ कंपनियाँ जड़ियाँ इंट्रस्ट पहला सी रखदी हैं वो कोई इंट्रस्ट नहीं दिखा रही हैं, और ये जड़ियाँ ने पांच शॉर्टलिस्ट कीती गई कंपनियाँ ने भारतीय कंपनी दे नाल ही साझेदारी करनी सी। सो मैं समझदा कि भी ये एक बड़ा वड्डा सैटबैक है और घट्टो घट एक नवा स्कैंडल जड़ा इन्हां ने जड़ा इस चो कमीशन खाने से अगों 43,000 करोड़ उस चो उन्होंने देखिया भी राफेल आला तो कवरअप हो गया ते हुण शायद असी भी इन करप्ट लोगों के नाल तुसी डील करदे हो। उन्होंने कहा भी इहदे कोलों अद्धी खा लांगे इन्हां तो तुहाडा जड़ा इन्हां नाल कोई साडा कोई वास्ता नहीं है। और क्लोजिंग च जिवें असी रोज़ाना रूहानी विचार करदे गुरु तेग बहादुर साहब गुरु अमरदास जी का शब्द श्री राग दे विच महला तीजा दे थले बिन गुर रोग ना टुटे होमे पीड़ ना जाए गुर प्रसादी मन वसै नामे रह समाए गुर शब्दी हर पाई है बिन शब्द है परम पुलाए मन रे निज कर वासा होए राम नाम सलाहे तू फिर आवण जाण ना होए रहाओ। रहाओ सेंट्रल आइडिया शब्द कि हे मेरे मन तू अपने घर विच वसेगा। अपना घर इसलिए कि मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। असी रब दी आंश है उसका मूल नालों असी जो टुटते हैं तो असी दुबधा च वसते हैं होमे च वसते हैं माया च वसते हैं, तो जदों रब दी कुरबत वाहिगुरु दे नाल साड़ी सांझ बनती है उहदी याद दे नाल ते फिर निज कर वासा होए राम नाम सलाहे तू फिर आवण जाण ना होए कि जदों तू उस निज घर च वसेगा और इसलिए उस रब की याद न उसकी सलौता दे विच होएगा फिर जड़ा आवागौन का चक्कर है इस तो तेरा छुटकारा होएगा। बिन गुर रोग ना टुटे होमे पीड़ ना जाए कि बिना गुरु की बख्शिश तो होमे का रोग जाता नहीं, तो ये होमे रोग जदों तक है तो उदों तक रब नाल प्रीत नहीं बन सकती। गुर प्रसादी मन वसै नामे रह समाए कि गुरु की कृपा दे नाल जिहड़ा वो वाहिगुरु मन दे विच आके वसदा तो फिर रूह का प्राणी का नाम दे विच वासा हुंदा। गुर शब्दी हर पाई है बिन शब्द है भरम भुलाए कि गुरु की बख्शिश नाल गुरु दे शब्द नूं ध्यानदिआं उस रब दे नाल मेल हुंदा और जदों तक असी उस अल्टीमेट ट्रूथ गुरु दे शब्द नाल नहीं जुड़दे भरम भुलाए असी भुलेखियां दे विच दुविधा दे विच डाइकॉटमी दे विच शंकियां दे विच फजूल वाद विवाद दे विच अपनी जिंदगी गवा देंदे हैं। हर इको दाता वरतदा दूजा अवर न कोए शब्द सलाही मन वसै सहजे ही सुख होए सब नदरी अंदर वेखदा जय पावें ते दे कि वो वाहिगुरु हर एक दे अंदर उही दाता वसया होया है उस तो बिना कोई होर नहीं है। शब्द की सलाहता दे नाल वो मन दे विच वसद तो जदों मन च वस जाए सहज दे विच असी आ जाते हैं तो उस सहज चो सुख हासिल हुंदे सब नदरी अंदर वेखदा जय पावें ते दे उदी नज़र हर एक दे उत्ते है पर किनू ने अपना प्यार दी कुरबत दी अपनी मुहब्बत दी दात बख्शनी है ए रब ने अपने कोल रख्या होया अच्छा। करते हथ वड्याई है जिस पावै तिस दे होमै सदा गणत है होमै सदा गणत है गणते नौ सुख नाहे बिख की कार कमावणी बिख ही माहे समाहे बिन नावै ठौर ना पाए नी जमपुर दुख सहाय। होमै सदा गणत है गणते नौ सुख नाहे कि ये जड़ी होमे साड़ी ईगो है ये अल्टीमेटली सानू उस पासे पुश कर देंदी है कि असी गिणतियां मिणतियां दे विच पै जांदे हैं जिन्हों असी किराड़ बिरती कहा सी जिन्हों गुरु नानक साहब ने श्लोक वारां ते वधीक दे विच कहा सी कि नाल किराड़ा दोस्ती कूड़ा कूड़ी पाए झूठ दे उत्ते मबनी तुसी होवोगे जे उस गिणतियां मिणतियां जाओगे। होमे सभा गणत है गणते नौ इस ईगो च तां तुसी अपना गिणतियां मिणतियां च पै जांदे हो ते ये बिख दी कार है क्योंकि तुसी
ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਿਆ ਨੇ, ਵਿਖੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਖੀ ਹੀ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੰਮਪੁਰ ਦੁੱਖ ਸਹਾਏ ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਜੰਮਪੁਰੀ ਜੰਮ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਗੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਦਾ ਤਿਸੈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝੀਐ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਤੂੰ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਮਾਇੰਡ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਰਾਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਪਿੰਡ ਵੀ। ਪਿੰਡ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇੰਡ ਹੈ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਦਾ ਤਿਸੈ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਵੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਹੋਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ 'ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀ ਸਟਰੈਂਗਲ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਤੂੰ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰ। ਤੀਸਰੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਇਨਸਾਨ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂੰ ਸਲਾਹਤਾ ਕਰ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਫਿਨਿਟ ਹੈ। ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ, ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾ, ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫਿਨਿਟ 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 ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਰ ਸ਼ੁਰੂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿਊਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ SOS@TV84.TV 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਫੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।